खबर यूपी के बदायूं से है, जहां स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों की लापरवाही सामने आई है। जहां स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचाने वाले पंपलेटों को लाभार्थियों तक पहुंचाने के बजाय उन्हें कबाड़ में बेचते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि सरकार स्वास्थ्य विभाग को इसलिए स्टिकर उपलब्ध कराती है ताकि लोगों में जागरूकता बनी रहे, जनता बीमारियों से अलर्ट रहे। लेकिन जनपद बदायूं के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र दातागंज के कर्मचारी गजराज और सतीश उन्हें कबाड़ में बेचते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर क्यों कर्मचारियों को पंपलेटों को रद्दी में बेचने की जरूरत पड़ी। क्या लेके आए इसमें? काय की रद्दी है? मुझे क्या पता है तो? नहीं, आप क्या कहाँ से लेके आए इस रद्दी? कहाँ से लेके आए? आप कर्मचारी हैं वहाँ पे? किसने बिकवाई ये रद्दी? पंडित ने। कौन पंडित? नाम नाम याद नहीं। क्या नाम है उसका जिसने बिकवाया? सतीश। अच्छा, कल भी बेच के गए हो यहाँ पे? कल मैं नहीं आया था। कुछ ख़राब कागज़ या रद्दी वगैरह थी, वो कुछ सफाई में निकले थे, उसको हटाने के लिए बोला गया था। तो उसके बगल में कुछ और कागज़ पड़े थे, शायद वो गलती से वो कर्मचारी ले गया था। मामला का संज्ञान में आते ही उसको वापस बुला लिया गया, सब कागज़ वापस आ गए हैं। और उस कर्मचारी को जिसको ये दोषी पाया गया था, उसके खिलाफ़ एक चेतावनी पत्र जारी कर दिया गया है कि भविष्य में ऐसा कोई चीज़ अगर उनके संज्ञान करते हुए पाए गए, कुछ गलत काम, कोई जैसे सामान इधर से उधर करते हुए पाए गए, तो उनके लिए निकालने के लिए उच्च अधिकारी को अवगत करा दिया जाएगा। तो आपको बता दें कि स्वास्थ्य विभाग के जो पंपलेट होते हैं, जिनमें लोगों को जानकारी और जागरूक करने की जानकारी होती है, उनको कबाड़ में बेचने का मामला सामने आया है। और बताया जा रहा है कि स्वास्थ्य विभाग के दो कर्मचारी ही इस पूरे मामले में शामिल है। ऐसे में बड़ा सवाल उठता है कि आखिर इन कर्मचारियों को क्या ज़रूरत पड़ी इन पंपलेटों को बेचने की, और आखिर इन पंपलेटों को बेचने के बाद इस रकम का क्या कुछ उपयोग किया गया इन कर्मचारियों के द्वारा, एक बड़ा सवाल है। तो ऐसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ बदायूं से हमारे संवाददाता आदित्य गुप्ता जुड़ चुके हैं। आदित्य, पंपलेटों को कबाड़ में बेचने का मामला सामने आया, क्या पूरा मामला है विस्तार से बताइए। चलने लो जी आदित्य। उदय जी, मैं आपको बताना चाहूंगा ये पूरा मामला जनपद बदायूं के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र दातागंज का है, जहाँ स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों की ही बड़ी लापरवाही सामने आई है। स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी की तो की बड़ी लापरवाही सामने आई है। जो सरकार द्वारा स्वास्थ्य विभाग को स्टिकर दिए जाते हैं कि वो जनता के बीच में प्रसार करें और ताकि जनता बीमारियों से सतर्क रहे। जी आदित्य, अगर बात करें तो क्या आपने इन कर्मचारियों से बात करने की कोशिश की, उनसे जानने की कोशिश की कि आखिर क्यों इन कर्मचारियों के द्वारा इन पंपलेटों को कबाड़ में बेचा जा रहा है, जबकि इन पंपलेटों का उपयोग नागरिकों को बांटने के लिए किया जाता है ताकि जो गंभीर बीमारियां हैं और जो जानकारियां होती हैं वो जो है वो नागरिकों तक पहुंच सके। सर, चिकित्सा जो सामुदायिक चिकित्सा अधीक्षक है उनसे बात की गई तो उन्होंने इस मामले में ये करके टाल दिया कि क्या बोलते हैं कि अधिकारियों कर्मचारियों से और सफाई करने के लिए कहा गया था कि ये गलती से गए थे और मामला जानकारी में आते ही वापस मंगवा लिए कबाड़े की दुकान से। हालांकि इस मामले में उन्हें अपना पल्ला झाड़ लिया और कर्मचारियों का बचाव कर दिया है। अगर सबसे बड़ा विषय ये है कि आखिर ये दोनों कर्मचारी किस की निशानदेही पे बेचने गए थे, सबसे बड़ा सवाल ये है, जबकि जो अधिकारी और उच्च अधिकारी वो मौन साधे हुए हैं। जी आदित्य, धन्यवाद आपके इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए। तो बता दें कि पंपलेटों को कबाड़ बेचने का मामला सामने आया, हालांकि इस संबंध में जब अधिकारियों से बात करने की कोशिश की गई तो वो भी संतुष्ट जवाब देते हुए नजर नहीं आए। अब ऐसे में बड़ा सवाल उठता है कि आखिर अधिकारियों की क्या मजबूरी थी कि उनको ये जो पंपलेट हैं जो कि लोगों की जानकारी के लिए होते हैं उनको बेचने की आवश्यकता पड़ी। तो इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ चिकित्सा अधीक्षक रिधेश भसीन जी जुड़ चुके हैं।
रिधेश जी, अगर बात करें तो जनपद बदायूं के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया, जहां पर जो पंपलेट होते हैं, जो कि लोगों की जानकारी के लिए होते हैं, उन्हें कबाड़ में बेचने का मामला सामने आया। ऐसे में बड़ा सवाल उठता है कि आखिर क्या कुछ आवश्यकता पड़ी कर्मचारियों को इन पंपलेटों को कबाड़ में बेचने की? जी, बताना चाहूंगा कि कुछ सरकारी में कुछ कागज उन कागज की सफाई के लिए स्टोर की सफाई करी जा रही थी, तो सफाई में जितने कुछ कागज मिले उनके साथ साथ हो सकता है वो सफाई कर्मचारी ने कुछ और सादे कागज जो उपयोग में लाने होते हैं उनको भी शायद उसमें भर लिया था, तो एक गलती बाद में पकड़ी गई और उसके बाद वो सारे कागज वापस मंगा लिए गए। जी रिधेश जी, ऐसे में बड़ा सवाल उठता है कि जिस तरह से आपको कहना है कि सफाई के दौरान ये गलती से चले गए, तो क्या सफाई करने के समय जो कर्मचारी सफाई कर रहे थे उस समय कोई अधिकारी वहां मौजूद नहीं था जो इस बात की जानकारी रखता हो कि कौन सी जरूरत की चीजें हैं जिनको बेचना है कबाड़ में और जिनको नहीं रखना है, कौन सी ऐसी जरूरत की चीजें हैं जिनको रखना है? क्योंकि अगर बात करें इन पंपलेटों को सरकार को छपवाने में करोड़ों रुपए जो खर्च होते हैं ताकि लोगों को सही समय पर सही जानकारी मिल सके, ऐसे में पंपलेटों को बिना बटे जो है कबाड़ में बेचना कहां तक सही है? जो है वो चीज हुई वो गलत है कि बस जो कागज उपयोग में लाए जाने थे उनको वहां पे नहीं पहुंचना चाहिए था। फिलहाल उस सफाई कर्मचारी को लिखित रूप में एक चेतावनी जारी कर दी गई है कि किसी भी अवस्था में अब कोई भी चीज बाहर नहीं लेके जाई जाएगी और अगर कोई चीज लेके जाई जाएगी तो किसी न किसी से संपर्क करके या फिर किसी की पैरामीज करके ही वो बाहर ले जाया जाए। जी रिधेश जी, धन्यवाद। आशा करते हैं कि आगे इस तरह की जो गलतियां हैं वो स्वास्थ्य विभाग की तरफ से और आपके तरफ से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की तरफ से नहीं होंगी। धन्यवाद आपके इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि ऐसा मामला सामने आया है जनपद बदायूं के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र दातागंज से, जहां पर कबाड़ में जो पंपलेट है वो बेचने का मामला सामने आया है।